मध्य प्रदेश के कटनी जिले में ट्रेजरी घोटाला सामने आया है, जिसमें अभी तक 3 विभाग के 5 मामले सामने आए हैं और इस घटना को अंजाम देने वाले कोई नेता नहीं बल्कि विभाग में पदस्थ अधिकारी है। जी हां, कोषालय अधिकारी ओपी भदौरिया ने बताया कि पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग और जनपद पंचायत में अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं। जानकारों की माने तो अब तक 3 लाख से अधिक की राशि का गबन किया जा चुका है, जिसके आरोपी पुराने बिल में फर्जी अकाउंट नंबर लगाकर पैसा निकाला करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। के निर्देश के पालन में वित्त विभाग के द्वारा भी जांच दल तत्काल आ चुका है और वो ताजा मामले जो है 37 लाख से ऊपर का होता है। पूरा अमाउंट 37 लाख समथिंग है, तो वो जांच चालू है। भीमरखेड़ा जनपद में लगभग 31 लाख की राशि जो है वो अन्य खातों में भुगतान की जानकारी आई थी अनियमित तौर से, जिसकी जांच कराई गई है और इसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि प्रथम दृष्टया जो आरोपी हैं, हमारे शिक्षा विभाग का पूर्व का जो एक गबन हुआ था उसके जो आरोपी हैं धीरज सिंह, उनके द्वारा उनकी संलिप्तता इस घटनाक्रम में भी पाई गई है। हम लोग आयुक्त कोष लेखा भोपाल महोदय के द्वारा आदेश पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम लोग सभी संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा से हैं, जबलपुर संभाग से। यहाँ ट्रेजरी में जो वित्तीय अनियमितताएँ हुई हैं, जो कि बडवारा और ढीमरखेड़ा विकास खंड और सीईओ स्तर से जो भी हुई हैं, उसकी जांच के लिए हम लोग को दल यहाँ पे भेजा गया है।